सुमित्रा की मृत्यु कैसे हुई, रामायण का अद्भुत प्रश्न। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का प्रसंग है वो रामायण से है और ये रामायण का प्रसंग बहुत ही रहस्यमयी अर्थात रोचक है। इस प्रसंग में आज हम बात करेंगे अयोध्या नरेश दशरथ की तीसरी रानी सुमित्रा के जीवन और मृत्यु के बारे में। तो ये जानने के लिए बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक, और यदि हमारे इस चैनल पर आप नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए बहुत मान्य रखता है। आइए आपका ज्यादा कीमती समय नष्ट न करते हुए इस रहस्यमयी और रोचक रामायण के प्रसंग पर ध्यान देते हैं। दोस्तों रामायण में सुमित्रा जी एक ऐसा पात्र है जिनके बारे में ज्यादा वर्णन तो नहीं मिलता, लेकिन जितनी बार भी उनका उल्लेख आया है वो हृदय से उनके लिए सम्मान ही निकलेगा। सुमित्रा का जन्म काशी नरेश की पुत्री के रूप में हुआ था। वह स्वभाव से अति विनम्र तथा कर्मठ स्त्री थी। जब वह विवाह योग्य हो गई दोस्तों, तब उनका विवाह अयोध्या नरेश दशरथ के साथ हुआ। दशरथ की पहले से ही दो पत्नियां थी तथा तीसरी पत्नी सुमित्रा बनी थी। अयोध्या की सबसे बड़ी रानी व दशरथ की प्रथम पत्नी कौशल्या थी, तो वहीं कैकेयी दशरथ की प्रिय पत्नी थी जो उनकी दूसरी पत्नी थी, किंतु सुमित्रा उनकी तीसरी पत्नी थी। वो हमेशा अपने पति की सेवा में लीन रहती थी। वह तीनों रानियों में सबसे होशियार व संयम से काम लेने वाली स्त्री थी। उसे अपनी सबसे बड़ी सौतेली कौशल्या से बहुत प्रेम था। कौशल्या भी उसे अपनी बहन के समान प्रेम करती थी। कैकेयी का स्वभाव इतना ज्यादा अच्छा नहीं था तथा वह राजा दशरथ पर अपना अधिकार जमाने का ही प्रयास करती। राजा दशरथ भी उनके प्रेम में आसक्त थे, इसलिए वे ज्यादातर कैकेयी के कक्ष में रहती थी। दोस्तों दूसरी ओर सुमित्रा कौशल्या के निकट रहना पसंद करती व उनकी सेवा करना ही अपना धर्म समझती। वह अयोध्या का कामकाज देखने के साथ साथ दशरथ व कौशल्या की बहुत सेवा किया करती थी। इधर जब कई वर्षों तक राजा दशरथ के कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करवाया। इसमें से उन्हें खीर प्राप्त हुई जो उन्होंने आदि आदि कौशल्या व कैकेयी को दे दी थी। दोनों रानियों ने अपनी खीर में से आधा आधा भाग सुमित्रा को खाने को दे दिया। बंधु फलस्वरूप इसलिए सुमित्रा के लिए दो संतानों की प्राप्ति हुई, अर्थात दो पुत्र हुए जिनमें बड़े लक्ष्मण थे तथा छोटे शत्रुघ्न थे। लक्ष्मण कौशल्या के पुत्र श्री राम के ज्यादा करीब थे तो शत्रुघ्न कैकेयी के पुत्र भरत के करीब थे। दोस्तों तीनों माताओं में से सभी पुत्रों का स्नेह सुमित्रा से ही सबसे ज्यादा था। सुमित्रा ही बचपन में सभी राजकुमारों को अपनी गोद में सुलाया करती थी व उन्हें लोरी सुनाती थी। वह सभी से एक समान प्रेम करती, किंतु उनका मुख प्रेम कौशल्या पुत्र श्री राम के प्रति था। जब चारों राजकुमार गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस आ गए तब सुमित्रा भी बहुत प्रसन्न थी। फिर सभी का विवाह भी हो गया, बस सुमित्रा को भी चार चार बहुएं मिली। कुछ समय बाद ही कैकेयी ने ऐसी चाल चली कि अयोध्या के राज परिवार में हलचल मच गई। कैकेयी के द्वारा श्री राम को 14 वर्ष का वनवास सुना दिया गया व भरत को अयोध्या का नरेश बनाने की घोषणा की गई। सुमित्रा ये सुनकर बहुत व्यथित हो गई, बस श्री राम की चिंता करने लगी। दोस्तों उस समय उसका एक पुत्र शत्रुघ्न भरत के साथ कैकेयी देश गया हुआ था। लक्ष्मण शुरू से ही श्री राम के प्रिय थे तथा वे उनके बिना नहीं रह सकते थे। कैकेयी के द्वारा केवल श्री राम को ही 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन लक्ष्मण ने उनके साथ वन में रहकर उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। जब लक्ष्मण इसकी आज्ञा मांगने अपनी मां सुमित्रा के पास आए तब वे थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन सुमित्रा ने उनकी सारी शंकाएं दूर कर दी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जहां श्री राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है,
तुम्हें हमेशा श्री राम की सेवा करनी चाहिए व उनके चरणों में ही रहना है। उन्होंने लक्ष्मण को 14 वर्षों तक श्री राम की मन कर्म वचन से सेवा करने का आदेश दिया व कहा कि उन्हें कोई दुख ना पहुंचे। एक माँ के द्वारा ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, रामायण में भी ये उल्लेख है कि जब श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के वनवास में थे, तब सुमित्रा का अपनी बहू उर्मिला से विशेष स्नेह था, क्योंकि वह अकेली रह गई। उन्होंने उर्मिला को भी अपनी बड़ी बहन समान कौशल्या की सेवा करने को कहा। इस प्रकार सुमित्रा ने ऐसे समय भी अपने धैर्य व संयम का परिचय दिया तथा सब कुछ त्याग कर दिया। उन्होंने इस विकट परिस्थिति में अपने एक पुत्र को श्री राम के साथ वन में भेज दिया तो बहू को कौशल्या की सेवा में लगा दिया। दूसरे पुत्र शत्रुघ्न को भरत के राजकाज संभालने में सहायता करने को कहा तो छोटी बहू श्रुतकीर्ति को कैकेयी का ध्यान रखने को लगा दिया। बंधुओं, इसके बाद सुमित्रा ने अपने जीवन में कई घटनाक्रम देखे, जैसे कि अपने पति दशरथ की राम वियोग में मृत्यु, भरत का अयोध्या आना, राज सिंहासन त्यागना, चित्रकूट की घटना, श्री राम लक्ष्मण सीता का 14 वर्ष के पश्चात लौटना, राम का राज अभिषेक, सीता का वनवास व उनका धरती में समा जाना, ये इत्यादि सुमित्रा ने घटनाएं देखी। इसके बाद में अंत में सुमित्रा जो थी अपनी दोनों सौतन के साथ में एक दिन तीर्थ यात्रा पर निकल गई और वहीं जाकर के शांति पूर्वक उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया और सुमित्रा जी जो थी ये परलोक के लिए सिधार गई। तो दोस्तों, इस तरीका से दशरथ की तीसरी पत्नी सुमित्रा की मृत्यु हुई थी और इस प्रकार देवी सुमित्रा ने अपनी देह का त्याग किया था। तो बंधुओं, ये कैसा लगा हमारा प्रसंग रामायण का? यदि ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और दूसरों को भी शेयर करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सभी दर्शकों के लिए, सब्सक्राइबर बंधुओं के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जय श्री राम।